बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो मींस थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मींस ग्रेन्यूल्स। थ्रेड जो है वो धागे नुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं और ग्रेन्यूल्स कहते हैं ऐसी चीज़ों को जो कि गोलाई में हो, ठीक है, उस तरह से दाने नुमा स्ट्रक्चर्स को ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ये दो वर्ड्स का कंपोजिशन है और कैलीकर नेम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। इनकी कंपोजिशन को देखते हैं, कंपोजिशन कहते हैं इनकी बनावट, ये किस तरह कौन से केमिकल से मिलकर बने हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से इनका आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है वो दोनों मेम्ब्रेन, मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा है बट आपको याद होना चाहिए कि ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन हैं ये दोनों ही प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं, और डीएनए और राइबोसोम्स जो हैं वो इनका इंटरनल वाला पोर्शन जो है उसके अंदर डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। अब आते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। इनका जो इनर मेम्ब्रेन है वो इररेगुलर है, फोल्डिंग्स हैं, इनकम्प्लीट पार्टीशंस हैं इनके अंदर, जिसको हमने नाम दिया है क्रिस्टी का। यही इनर मेम्ब्रेन है बट इनकी इन फोल्डिंग्स को हमने क्या नाम दिया है, क्रिस्टी। अब इनके मैट्रिक्स को देख लेते हैं। मैट्रिक्स होता है इनका इंटरनल फ्लूड, अंदर वाला जो इनका फ्लूड होता है लिक्विडी टाइप का वो भरा होता है, ये इन मैट्रिक्स से भरा होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इनके अंदर मैट्रिक्स फ्लूड होता है। डीएनए, जिसके अंदर डीएनए होता है, ये सर्कुलर शेप में डीएनए मैंने ड्रॉ किया है। और राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और एटीपी होते हैं, एटीपी एनर्जी करेंसी होते हैं, सेल को एनर्जी देते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इनको कहते हैं। और इनके अंदर कुछ इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम्स क्या करते हैं, इंजाइम्स जो है वो सेल को मेटाबोलाइज करते हैं, इनके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं इनको स्पीड अप करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये इंजाइम्स यूज़ होते हैं। अब डीएनए क्या है, डीएनए के लिए, डीएनए जो है वो इनका मेन करैक्टर है कि मतलब इनके पास डीएनए है, बाकी ऑर्गनल्स के पास जो है वो डीएनए नहीं होता सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया के, और न्यूक्लियस में तो होता ही है, और क्लोरोप्लास्ट के। ये दो ऐसे हैं जो सेमी ऑटोनोमस भी कह सकते हैं या फिर सेल्फ रेप्लिकेट भी इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास डीएनए होता है। इनको ये अपना सेल खुद, ये जो अपना ऑर्गेनल है इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना सकते हैं। इनको न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि इनके पास डीएनए है और ये इंडिपेंडेंटली, जैसे कि सेल के अंदर माइटोसिस होता है बिल्कुल वैसे ही ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर डीएनए। इसी वजह से इनको न्यूक्लियस से कोई इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद बखुद अपना डीएनए से ही अपने माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल इनको कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन हम उस रेस्पिरेशन को कहते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और मेटाबोलाइज करते हैं उसको, मींस के कुछ एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं इनके, ये प्रोसेस जो है वो इनके मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। तो ये क्या होता है कि जो फूड हम खाते हैं वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेते तो हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, जो हमारी बॉडी में जब वो चले जाते हैं तो वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस के ग्लूकोज और लिपिड्स के फैटी एसिड्स बन जाते हैं और प्रोटीन्स के मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, जो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको यूज़ करते हैं और फिर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इस फूड को यूज़ करके, मेटाबोलाइज करके, रिएक्शन में एंजाइम्स को ऐड करके जो है वो एटीपी सिंथेसाइज करते हैं, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एटीपी होता ही एनर्जी करेंसी है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसकी कंप्लीट जो है वो चैप्टर नंबर 11 में बायोएनर्जेटिक्स में इंशाल्लाह ताला हम बेस करेंगे इस पे, और जो है वो इस तरह से आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।